हेलो बच्चे, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? आज हम लोग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर सेविंग पढ़ने वाले हैं। देखो, यहाँ जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा और वन शॉर्ट वीडियोस में एग्जामिनेशन जब आपका आएगा तो उस टाइम पे बनाऊंगा। और अभी जो लेटेस्ट पैटर्न आया है, 2 टर्म में आपका एग्जाम होगा और उसके लिए मैं एमसीक्यू भी ऐड करूंगा अभी इसमें। तो आप एमसीक्यू भी बनाना, टॉपिक खत्म होगा मैं एमसीक्यू करवाऊंगा आपसे, क्योंकि एग्जाम है तो एमसीक्यू आना है। तो बस आपको करना है कि आप बने रहना है एग्जामिनेशन के टाइम पे। वन शॉट वीडियोज भी अगर टेंशन मत लो, और अभी मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको डेफिनेटली क्लास में ही याद हो जाएगा। अभी जितना देर आप पढ़ोगे ना, याद हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग। तो यहां पर देखो, पावर शेयरिंग 2 वर्ड से बना हुआ है, पावर एंड शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? जब हम लोग दोस्तों के साथ टॉफी या फिर चॉकलेट जब हम लोग दोनों आदमी मिलके खाते हैं तो उसको शेयरिंग बोलते हैं। या फिर मान लो मेरे पास बिस्किट है, मैंने तुम्हें दे दिया, इसी को शेयरिंग बोलते हैं ना। अब पावर क्या होता है ये तुम सोचो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं फिर मैं तुम्हें बताऊंगा पावर क्या होता है। सोच लिया तुमने? नहीं सोचा तो चलो मैं दिखाता हूं। देखो, पावर बहुत तरह का होता है। कुछ लोगों को पावर क्या चीज का होता है? मनी का पावर होता है। और कुछ लोगों के पास पावर मनी का तो होता ही, कुछ लोगों के पास शेयर का भी पावर होता है। जो हमारे नेता होते हैं, हमारे जो लीडर्स होते हैं, उनके पास क्या चीज का पावर होता है? शेयर का। और कुछ लोगों के पास मसल्स पावर भी होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा हेवी होते हैं, द ग्रेट खली। तुम उनके पास नहीं जाओगे, उनको तुम उनसे दूर भागोगे। क्यों? क्योंकि भाई उतना मसल्स वाला आदमी एक बार डाल देगा तो हम लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे, है कि नहीं? तो पावर 2-3 तरह का होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ और पावर के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग मनी पावर के एग्जाम्पल लेते हैं। और ये एग्जाम्पल्स है ना, ये एग्जाम्पल यदि आपको समझ में आ गया, आप कभी नहीं भूलोगे पावर शेयरिंग। और अपने दोस्तों को भी तुम पढ़ा सकते हो इस एग्जाम्पल से और वो भी कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा गारंटी है। देखो, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक का नाम है राम, ये है राम, ठीक है? चलो मैं अच्छे से लिखता हूँ, ये है राम, ठीक है? ये भाई साहब है राम और ये बगल वाला है श्याम, ठीक है? चलो ऊपर में मैं नाम लिख देता हूँ इसका, ये है राम और ये है श्याम। और आप इधर देख पा रहे होगे ना, राम ना रीच है, तो ये भाई साहब रीच है। और आप बगल देख रहे हो श्याम के नीचे, ये थोड़ा सा गरीब है बेचारा, ठीक है? देखो, ये लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है? गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं ये लोग। और इस सोसाइटी में बस 2 लोग हैं और राम रीच है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, खाने को पूरा पार्टी है एंजॉय में। और वहीं राम का ऐसा सिचुएशन, अभी का सिचुएशन देखो, सिचुएशन ऐसा है, राम के पास बहुत कुछ है, श्याम के पास कुछ भी नहीं है। इसके सामने पूरा दिखा के खाना खा रहा है राम, और श्याम को जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं, सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं। तो ये क्या करेगा? ये इससे ना छीनेगा, फूड खाना छीनेगा, ऑब्वियसली बात है। मान लो जिंदा रहने के लिए क्या करेगा? इसके सामने ये खाना खा रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं, जिंदा रहने के लिए क्या करेगा भाई? इसको छीनना पड़ेगा, ये छीनेगा। मान लो ये छीनेगा और ये नहीं देगा राम, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मान लो यदि राम दे देगा, यदि राम अपना खाना शेयर कर देगा इसके साथ, क्या कर देगा भाई? यदि शेयर कर देगा तो क्या श्याम फिर भी छीनेगा? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सॉल्व होगा कि नहीं, तुम सोचो। यदि श्याम, ऑब्वियसली बात है, यदि खाना इसको दे देगा तो ये शांत हो जाएगा, क्यों लड़ाई करेगा, क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा? कॉन्फ्लिक्ट का सवाल ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म। यदि खाना नहीं देगा तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगा, है कि नहीं? चलो, यहां तक समझ में क्या आया हम लोगों को? यदि ये देखो बंदा जो है राम, यदि ये अपना पावर कुछ इसको शेयर कर दिया, अपना पावर ये जो श्याम को शेयर कर दिया, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में पीस आ गया, शांति हो गया। वहीं पे यदि ये खाना नहीं दे रहा था, अपना खाना का पावर ये नहीं दे रहा था, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो यहां से हम लोग को क्या सीखने को मिला? यदि हम लोग अपना पावर को शेयर कर देते हैं, दूसरे को बांट देते हैं, तो क्या होता है? ये जो लड़ाई होने का जो चांस होता है, ये जो पॉसिबिलिटीज होता है कॉन्फ्लिक्ट होने का, ये रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ये हम लोगों को यहां से इस स्टोरी से समझ में आया। देखो, 2-4 मिनट जो भी लगा, बट यदि ये स्टोरी समझ में आ गया ना, पावर तुम समझ गए, पावर काफी टाइप का होता है, और उनका शेयरिंग वो भी समझ गया। चलो, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं पावर सेलिंग। देखो ये जो इतना सारा मैं कहानी बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, जब तुम अपना सिविक्स बुक देखोगे, तो आई होप अभी नहीं खोले हो, आगे खोल लेना, देखना उसमें ऐसा लिखा हुआ है, एक लड़की होती है, इसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? इक्वेशन आता है, पावर शेयरिंग डिवाइडिंग पावर, इससे वीकनेस होगा कंट्री का। देखो ये लड़की के मन में एक सवाल आता है, यदि कंट्री में पावर शेयर हो जाएगा तो कंट्री वीक हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे पास कुछ है, मान लो 5 बिस्किट है, तुम किसी को दे दोगे तो कम हो जाएगा ना, तुम कमजोर हो जाओगे ना, ऐसा मानना है इसका। इसी तरह से तुम इस एग्जाम्पल को कंट्री पे सेट करो। इसका मानना क्या, ये लड़की क्या सोच रही है, ये लड़की के माइंड में एक इक्वेशन आया, यदि पावर कंट्री का पावर ये बांट देगी तो कंट्री कमजोर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे? देखो इसे एग्जाम्पल से देखो, ये भी समझ में आ जाए। अभी मैंने पहले ही बोला है कि मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा टाइम जाएगा नो डाउट, लेकिन यदि आप बने रहोगे ना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है यहाँ से। देखो मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा तो पढ़ ही सकते हो यार। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा था प्रीवियस में, पावर शेयरिंग हुआ, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट का पॉसिबिलिटीज़ है ये क्या हो गया, कम हो गया। अब ऐसी चीज़ को यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी बहुत आगे आएगा। कॉन्फ्लिक्ट का जो पॉसिबिलिटीज़ है ये क्या हो गया था, कम हो गया था, इसको ध्यान रखना भाई। अब देखो यहाँ पे, अभी हम लोग देखे पावर शेयरिंग से जो कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबिलिटीज़ है ये कम हो जाता, और ये लड़की क्या सोच रही थी, पावर शेयरिंग करने से कंट्री या फिर डेमोक्रेसी वीक हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके स्कूल हैं, आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, सेक्शन हेड होता है, जो कि जैसे जूनियर सेक्शन सीनियर सेक्शन होता है, तो सीनियर सेक्शन का भी हेड होता है, जूनियर सेक्शन का भी हेड होता है, फिर क्लास टीचर होते हैं और मॉनिटर भी होता है, कुछ लोग आप मॉनिटर भी होगे क्लास में। तो आपको सर क्या पावर देते हैं, मॉनिटर को क्लास टीचर क्या पावर देता है, यदि कोई हल्ला करे तो उसका नाम लिख के तुम मुझे दे देना। और सेक्शन हेड क्लास टीचर को बहुत सारे पावर देते हैं, और वाइस प्रिंसिपल सेक्शन हेड को पावर देता है, और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को। यदि प्रिंसिपल अकेला चाहे पूरा स्कूल को चलाना, तो क्या संभव है, चला पाएगा? वो नहीं चला पाएगा। उसको एक क्लासरूम में वो चाहेगा हम बैठ के पूरा स्कूल को पढ़ा ले, तो वो भी संभव है? नहीं संभव है। उसको कुछ ना कुछ अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना पावर बांटना पड़ेगा। और तुमने क्या पढ़ा था, पावर बांटेंगे हम लोग, पावर का शेयर करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो क्या प्रिंसिपल अपना पावर जो शेयर करेगा वाइस प्रिंसिपल को, या फिर सेक्शन हेड या क्लास टीचर या क्लास मॉनिटर को, तो क्या प्रिंसिपल या फिर स्कूल वीक हो जाएगा? नहीं होगा भाई। देखो यदि एक अकेला प्रिंसिपल चलाएगा तो बहुत मुश्किल होगा स्कूल चलाने में, लेकिन जब वहीं पे वो अपना बहुत सारा पावर वाइस प्रिंसिपल को दे दिया, तो प्रिंसिपल बहुत कुछ देख लेगा, फिर वाइस प्रिंसिपल जब सेक्शन हेड को पावर दिया तो सेक्शन हेड देखेगा, फिर सेक्शन हेड क्लास टीचर को दे दिया, क्लास टीचर मॉनिटर को दे दिया, तो इससे क्या हुआ, यदि एक अकेला इंसान होता तो बहुत मुश्किल होता, क्लास में हल्ला कर रहा है, टीचर सेक्शन में इधर से उधर बच्चे जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन अब सब जगह कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। ये कंट्रोल क्यों कर पा रहा है सब कोई ना कोई, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने पावर दे दिया, और प्रिंसिपल सर ने पावर दिया जिसके वजह से अब स्कूल पहले से ज्यादा अच्छा चल रहा है। तुम खुद सोचो ना, एक प्रिंसिपल सर पूरा स्कूल चला पाएंगे क्या? नहीं चला पाएंगे, ओबियस सी बात है। तो पावर शेयर करने से जो हमारा स्कूल है ना, स्कूल का चलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हुआ, पावर जब इनके बीच में जब बटा, तो हमारा जो स्कूल है वो और भी अच्छे से चलने लगा। तुम्हारा स्कूल और भी अच्छे से चलने लगता है ना, जब सिर्फ एक टीचर पढ़ाएंगे पूरे स्कूल को, तो ऑब्वियसली बात है सब क्लास में हल्ला करेगा स्टूडेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि पावर शेयर करने से जैसे स्कूल बहुत अच्छा से चल रहा है ना, इसी तरह से जब हम लोग कंट्री में देश में पावर शेयर करते हैं ना, पावर जब शेयर करते हैं हम लोग कंट्री में, तो हमारा कंट्री भी बहुत अच्छा से चलता है। जब हम लोग कंट्री में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करते हैं, जैसे शादी में यदि एक आदमी सारा कुछ देखे, फ्लावर वाला को, क्या लाइट वाला को, केटलर को, सबको एक ही आदमी देखेगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। वहीं पर जब तुम क्या करोगे, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो शादी का तुम्हारा जो पूरा फंक्शन है ना, बहुत अच्छा से जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखते हैं, यदि हम लोग पावर को शेयर करते हैं
तो हम लोग वीक नहीं होते, बल्कि और भी अच्छे से हमारा जो भी काम है वो होता है। जैसे स्कूल बहुत अच्छे से चलता है, यदि देश में पावर को बांटते तो हमारा देश बहुत अच्छा से चलता है। देखो ये 10 मिनट 8 मिनट का लेक्चर बहुत ज़रूरी था पावर शेयरिंग को समझाने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये राम पावर दे देता है श्याम को, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में देखो कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझो। आई होप ये लड़की का जो क्वेश्चन था ये भी आप सॉल्व कर लोगे आप, है ना। और अब देखो तुम्हारा जब बुक तुम खोलोगे तो वहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, ओवरव्यू। और ओवरव्यू में बहुत सारे बातें लिखी हुई है कि देखो क्लास नाइन्थ में, क्लास नाइन्थ में आपने जो भी पढ़ा, बेसिकली क्लास नाइन्थ में आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे, जहाँ तक मुझे भी याद है और आपको भी याद होगा, आपने क्लास नाइन्थ में बहुत कुछ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। और जहाँ पे आपने ख़त्म किया था ना डेमोक्रेसी का टूर, बेसिकली आप जब से नाइन्थ में घुसते हो ना डेमोक्रेसी का टूर स्टार्ट हो जाता है आपका, वो टूर जैसे आपका लास्ट ईयर चला, अब जहाँ से वो ख़त्म हुआ ना यहाँ पे क्लास टेंथ में वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ आपने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा डेमोक्रेसी क्लास टेंथ में। अब देखो यहाँ पे आप क्या पढ़े हुए, कि जैसे कि आपने पिछले साल क्या पढ़ा था डेमोक्रेसी में, आपने लास्ट ईयर ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जो सारा पावर है ना किसी एक ऑर्गेन में, गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गेन में नहीं होना चाहिए। आपने क्या पढ़ा था लास्ट ईयर, डेमोक्रेसी में जो पावर होता है किसी एक ऑर्गेन में, गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गेन में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से डेमोक्रेसी जान लेते हैं। आई होप आपको डेमोक्रेसी तो पता होगा, डेमोक्रेसी क्या होता था, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे कॉमन पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये आपको याद होगा। अब यहां पे आप देखो, जैसे कि देखो हमारा बॉडी है ना, बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, हम लोगों का बॉडी का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत सारा ऑर्गेन चाहिए, किडनी चाहिए, स्टोमेक चाहिए, इंसेटाइन चाहिए, हैंड चाहिए, फुट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए हम लोग को बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए ना। तो उसी तरह से हमारा गवर्नमेंट का प्रॉपर फंक्शन के लिए, गवर्नमेंट हमारा पूरा अच्छे से चले इसके लिए तीन ऑर्गन चाहिए। जैसे हम लोग को अभी मैंने बताया ना, नाक चाहिए, आँख चाहिए, मुंह चाहिए बॉडी का प्रॉपर फंक्शन के लिए, उसी तरह से गवर्नमेंट के प्रॉपर फंक्शन के लिए तीन हम लोगों को ऑर्गन चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम लोग अब जैसे मुंह का काम है बोलना खाना, इसी तरह से लेजिस्लेचर का भी कुछ काम होगा, ये भी ऑर्गन है। तो इसका काम होता है लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव इसका काम होता है लॉ को इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना, जो भी ये कानून बनाएगा ना लेजिस्लेचर उसको लागू करना। और मान लो जो भी कानून बना है उसको यदि कोई पर्सन तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट देना किसका काम है, ये तीसरा अंग का, तीसरा ऑर्गन का, जुडिशरी का काम है। और लॉ जो बना है उसको इंटरप्रिटेट करना भी जुडिशरी का काम है। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये नहीं और भी अच्छे से समझना है आपको तो चैनल पे सिविक्स का आप प्लेलिस्ट में जाओ, खोलो, वहाँ पे बेसिक पे मैंने 3-4 लेक्चर लिया सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे सिविक्स का, वो यदि आप पढ़ लोगे ये चैप्टर या फिर पूरा टेंथ पढ़ने में आपको आसानी होगी। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। और इस चैप्टर में ना अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, ये आई थिंक आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेसी में ये जो हम लोग पढ़े ना, डेमोक्रेसी में यहाँ तीन ऑर्गन देखे ना, नाइन्थ में आपको क्या बताएगा, किसी एक ऑर्गेन में पावर नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे कि ये तीनों ऑर्गेन के बीच में ना पावर का इक्वल डिवीजन होना चाहिए, सबको बराबर पावर मिलना चाहिए। और नाइन्थ हम लोग क्या पढ़े थे डेमोक्रेसी में कि किसी एक ऑर्गेन में पावर नहीं होना चाहिए। तो जहां पे तुमने टूर खत्म किया था नाइन्थ में डेमोक्रेसी का, टेंथ में वहीं से तुम स्टार्ट करने वाले हो, है ना इंटरेस्टिंग। देखो ओवरव्यू को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है यदि तुम अच्छे से पढ़ो तो। देखो आगे देखो, फिर इस चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे, अभी जो मैंने तुम्हें बताया कि इस चैप्टर में तुम पढ़ने वाले हो कि डेमोक्रेसी में पावर इन तीनों ऑर्गेन के बीच में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बीच में कैसे पावर का शेयरिंग होगा, ये इस चैप्टर में तुम पढ़ने वाले हो। अब इस चैप्टर में तुम जो पढ़ोगे नेक्स्ट दो चैप्टर, नेक्स्ट टू चैप्टर जो होगा फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग, इसमें तुमको बेसिकली दोनों चैप्टर में ये पावर शेयरिंग का जो आइडिया है, पावर का जो बंटवारा का आइडिया है, पावर बांटना जो आइडिया है, यही तुम दोनों चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म दोनों में तुम यही पढ़ोगे।
और इन दोनों स्टोरी बेसिकली ये जो पावर शेयरिंग का कहानी है, पावर शेयरिंग का कहानी एक स्टोरी से तुमको स्टार्ट करा जाएगा, किससे, बेल्जियम और श्रीलंका, ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज का तुमको यहाँ पे स्टोरी सुनाया जाएगा। फिर तुम देखोगे ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री बेसिकली डेमोक्रेसी था, तो तुम देखोगे ये दोनों डेमोक्रेसी किस तरह से अपने देश में जो पावर शेयरिंग का डिमांड चला उसको हैंडल किया। फिर तुम इस दोनों स्टोरी को पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, फिर देखोगे एक कंट्री डेमोक्रेसी, यहाँ पे अभी ये नहीं बताऊंगा मैं, फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे दो कंट्री का कहानी जब तुम पढ़ोगे देखोगे एक कंट्री बहुत अच्छे से हैंडल करता है पावर शेयरिंग को, एक कंट्री नहीं कर पाता है, जिसके वजह से एक कंट्री में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, एक कंट्री में जो हैंडल कर लेता है उसमें बहुत अच्छा सा सिस्टम चलता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इतना दूर का सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझ में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखना है वो ये है, इतना दूर में यही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, डेमोक्रेसी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये तीनों में पावर का शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो बेसिकली डेमोक्रेसी का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इन तीनों ऑर्गन के बीच में पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले हम लोग कहानी पढ़ेंगे यहाँ पे बेल्जियम का। अभी मैंने बताया ना कहानी स्टार्ट होगा ये चैप्टर का दोनों बेल्जियम का। तो सबसे पहले आप देखो बेल्जियम है का, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, देखो सबसे पहले ये वर्ल्ड है और वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ये आपको पता है। इसमें जब आप यूरोप जाओगे ना, यूरोप में ये, सॉरी, यूरोप में जो ये एरिया आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये यूरोप का एरिया है। आप इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये ग्रीन एरिया देख रहे हो ना आप, ये पूरा जितना आप ग्रीन एरिया देख रहे हो ये पूरा यूरोप है। और इसमें एक छोटा सा कंट्री देखो आपको यहाँ पे दिखेगा, बेल्जियम, ये बेल्जियम है भाई। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग को आइडिया लग गया, सर ये जो कंट्री बेल्जियम है ना, बेल्जियम कहाँ पे है, तो आप बताना बेल्जियम, ये देखो बेल्जियम कहाँ पे है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बेल्जियम यूरोप में, यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम। अब देखो थोड़ा सा और भी बेल्जियम को देख लो, पता मुझे मैप से ना बहुत प्यार है, तो मैं मैप को बहुत ज़्यादा लगाता भी हूँ पढ़ाने टाइम, गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा मैं, देखो थोड़ा लेक्चर लंबा होगा भाई, लेकिन यदि तुम पूरा पढ़ लिए ना, तुम एक लेक्चर पढ़ लो मैं गारंटी देता हूँ तुम दोबारा पढ़ने आओगे, क्योंकि यार मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगा तुम्हें, है ना, इतना गर्मी में बैठ के यदि मैं तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यार तुम खुद सोचो ना, मुझे अच्छा लगता होगा तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। वैसे मैं लॉ पढ़ता हूँ मैं भाई, लॉ का मैं एस्पिरेंट हूँ, लॉ स्टूडेंट भी हूँ कह सकते हो, तो पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। खैर देखो यहाँ पे 2-3 मैप मैंने लगाया है बेल्जियम का, ये सारा बेल्जियम है। देखो ये जो फ्लैग दिख रहे हो ना, ये बेल्जियम का फ्लैग है, ये मैप मैंने इसलिए लगाया आप फ्लैग देख पाओ, और ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो ये नीचे में, वो बेल्जियम है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये वाला भी मैप ध्यान रखो, आगे वैसे ये बहुत सारा आने वाला है तो आप इसको नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ये मैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया था यूरोप में बेल्जियम है, देखो ये यूरोप का मैप है, उसमें मैंने जूम कर दिया बेल्जियम को। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बेल्जियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो और अच्छा, नीदरलैंड में कौन सा भाषा बोला जाता है आपको पता है, डच, आपने 8 में भी पढ़ा होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, खैर नीदरलैंड में डच बोला जाता है। बेल्जियम, ये पूरा बेल्जियम है, और बेल्जियम का राजधानी क्या है, ब्रसल्स, ये ध्यान रखना। देखो और थोड़ा सा इतिहास में बता दूं, मैं इतिहास का भी स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो बेल्जियम को जो फ्रीडम मिला था ना वो नीदरलैंड से ही मिला था, तो बेसिकली बेल्जियम पे नीदरलैंड का एक कब्जा था, लाइक आई थिंक 1830s में, आई थिंक 1830s और 40s के आसपास फ्रीडम मिला था बेल्जियम को। खैर ये हमारा कंसर्न नहीं है अभी। देखो बेल्जियम को ध्यान रखना है तुमको, यहां से तुमने लैंग्वेज भी ध्यान रख सकते हो, आगे जो आएगा डच, फ्रेंच, जर्मन, ये भी ध्यान रख सकते हो। देखो ये ध्यान रखना, ऊपर नॉर्थ, किसी भी मैप का जो टॉप होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं, बॉटम को साउथ, राइट हैंड साइड ऑलवेज ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज वेस्ट। तो देखो वेस्ट साइड में तुमको फ्रांस मिलेगा, नेबरिंग कंट्री, देखो पड़ोसी मुल्क कौन कौन सा है बेल्जियम का,
वहीं जब तुम ईस्ट में देखोगे तो तुमको जर्मनी मिलेगा, नीचे बॉटम में देखोगे साउथ में तो लक्जमबर्ग मिलेगा। तो बेसिकली यहां पे मुझे चार कंट्री दिख रहा भाई, फ्रांस, लक्जमबर्ग, जर्मनी एंड नीदरलैंड। तो चार बेल्जियम का नेबरिंग कंट्री है, ध्यान रखना, फ्रांस, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, जर्मनी, और कैपिटल क्या है? ब्रसल्स। यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, ये ध्यान रखना। और ये जो तुम कंट्री देख रहे हो ना, ये पता है इतना छोटा है, हमारा जो हरियाणा स्टेट है ना इंडिया का, उससे भी छोटा है ये, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तुम्हारे बुक में लिखा हुआ एक लाइन, ध्यान रखना, नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, बट अच्छा पॉइंट है, ध्यान ही रह जाएगा ये। तो ध्यान रखना, जो हमारा इंडियन स्टेट हरियाणा है ना, उससे भी छोटा है। और बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, अभी मैंने जस्ट बताया, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्जमबर्ग। अब देखो इसका जो पॉपुलेशन है ना भाई, ये 1 करोड़ से ज़्यादा है, बेसिकली 11 मिलियन है, ठीक है, 11 मिलियन मतलब 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है, इसको ध्यान रखना, सॉरी 1 करोड़ 10 लाख, सॉरी, तो 1.5 बेसिकली, तुम थोड़ा ध्यान रखो यहाँ पे, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन यहाँ का पॉपुलेशन, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। जब तुम बुक पढ़ोगे ना भाई, तुम्हारे बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है ऐसे इथनिक, ठीक है, यदि नहीं दिख रहा तो मैं रेड पेन ले लेता हूँ, दिखेगा ही क्यों नहीं दिखेगा। देखो तुम्हारे बुक में जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे इथनिक लिखा हुआ है और एक छोटा सा कॉलम बना हुआ है जिसमें तुम्हें इथनिक को पूरा डिस्क्राइब करा गया। अभी मैं, बहुत लोगों को इथनिक का मीनिंग नहीं पता होता है, मैं यहाँ पे तुम्हें इथनिक समझाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ और आई थिंक समझ भी आ जाएगा तुमको, बस तुम थोड़ा सा बने रहोगे तो। देखो बेसिकली सोशल डिवीजन, यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इस सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। इसका क्या मतलब है, सोशल मीन्स क्या होता है पहले ये बताओ मेरे को, सोसाइटी होता है, ठीक है, सोशल मीन्स होता सोसाइटी, तो किसका डिवीजन, सोसाइटी का। चलो यहां पे मैं एक सोसाइटी ले लेता हूं, सोसाइटी का नाम है मान लो बेल्जियम, ठीक है, एक सोसाइटी मैं ले लेता हूं बेल्जियम। देखो सोसाइटी का यहां पे डिवीजन है, एक देखो ऊपर डिवीजन है, एक नीचे डिवीजन है, एक इधर डिवीजन है, चलो सोसाइटी का 3 डिवीजन है। और ये सोसाइटी का जो डिवीजन तुम देख रहे हो, बेसिकली बेल्जियम का कौन सा डिवीजन है, सोशल डिवीजन, और किस पे बेस्ड है, ये शेयर्ड कल्चर पे। इधर वाला जो रीजन है, ये व्हाइट वाला रीजन के जो लोग हैं ना, इनका कल्चर एक है, ये लोग सारे लोग का जो कल्चर है एक जैसा है, मतलब ये सब लोग कल्चर को शेयर करते हैं, एक जैसा कल्चर है इन लोगों का। तो यहां पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, बेल्जियम का सोशल डिवीजन कैसा है, किस बेस पे डिवीजन है, शेयर्ड कल्चर पे, एक जो यहां देखो इधर के लोग सब एक जैसे हैं तो ये लोग एक जगह पे है, और ये ऊपर वाले लोग जहां मैं रेड चलाऊंगा अभी, ये देखो ये लोग सारे लोग शेयर्ड कल्चर पे डिवीजन, ऊपर वालों का एक जैसा कल्चर है। तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, सोसाइटी का डिवीजन किस पे, कल्चर के बेस पे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और जो पीपल बिलोंग करते हैं सेम इथनिक ग्रुप से, मान लो इधर में जो लोग हैं सारे लोग एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, और ये लोग क्या बिलीव करते हैं, इनका डिसेंट कॉमन है। क्यों कॉमन है डिसेंट, क्योंकि इनका जो इनके बीच में जो सिमिलरिटीज है, फिजिकल टाइप या कल्चरल टाइप सब एक है, तो ऑब्वियसली बात तो हो गई। बेसिकली तुम इथनिक कंपोजिशन मतलब डिवीजन ध्यान रखो, सोसाइटी का डिवीजन शेयर्ड कल्चर पे। बेसिकली ये लोग मान लो सारे लोग एक भाषा बोलते हैं तो ये लोग एक जगह रहेंगे, ये ऊपर वाले एक भाषा बोलते हैं तो एक जगह रहेंगे। तो यहाँ पर सोसाइटी का डिवीजन बेसिकली लैंग्वेज के बेस पे, काफ़ी जगह सोसाइटी का डिवीजन रिलीजन के बेस पे भी होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो आई होप यहाँ तक आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब जो यहाँ पे इथनिक कंपोजिशन वर्ड है ना, अब हम लोग इस कंट्री का डिवीजन देखेंगे। अब जो हमारा ये कंट्री है ना बेल्जियम, तो हम लोग देखेंगे कंट्री हमारा बेल्जियम का डिवीजन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना बेल्जियम का सोशल डिवीजन, उसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेल्जियम में गवर्नमेंट कैसा था उस टाइम की हम लोग बात करें, बहुत पहले की बात करें, उस टाइम क्या गवर्नमेंट था देखते हैं। देखो बेल्जियम में जो गवर्नमेंट था ना, यहाँ पे 2 लेवल पे गवर्नमेंट था। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अभी कितने लेवल पे, 3 लेवल पे, एक हमारे यहाँ होता सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे 2 लेवल का गवर्नमेंट था, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको तो पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली पूरा देश के लिए होता है। ये जो पूरा तुम देख रहे हो ना बेल्जियम, पूरा बेल्जियम पे किसका रूल होगा, पूरा बेल्जियम के लिए यदि कोई कानून बनाएगा, पूरा रूल्स बनेगा, तो कौन बनाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और वहीं पे एक स्टेट के लिए मान लो बनाना होगा, ये
सिर्फ ये स्टेट के लिए। तो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली बेल्जियम में दो लेवल का गवर्नमेंट था, और जब दो से ज़्यादा लेवल का गवर्नमेंट होता है ना, मान लो कहीं पे एक है, एक लेवल का गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिटरी। और जहाँ पे दो है, जैसे यहाँ पे देखो, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फेडरल। तो अब बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि बेल्जियम फेडरल स्टेट था, मतलब यहाँ पे दो लेवल का गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरा देश के लिए है, एक स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए, जैसे मान लो स्टेट के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका कि बेल्जियम में दो लेवल का गवर्नमेंट है। अब देखो, हम लोग बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन देखने वाले हैं, ठीक है। इथनिक कंपोजिशन मतलब कि सोसाइटी का बंटवारा, ऑन्ट शेयर्ड कल्चर। जैसे कि देखो ऊपर वाला, ये देखो ये वाला रीजन देख रहे हो ना, पीला कलर वाला रीजन, ये कौन सा रीजन था याद करो। देखो जब आप बेल्जियम का मैप देखोगे ना, ये देखो ये बेल्जियम का मैप आई होप देख रहा होगा आपको। देखो वो जो ऊपर वाला आप रीजन देख रहे हो ना भाई, ये ऊपर वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। और इस रीजन में देखो अभी बेल्जियम का हम लोग कैसे बांटेंगे, बेल्जियम को, बेल्जियम के सोसाइटी को देखो अभी कैसे सोशल डिवीजन करेंगे हम लोग। इतनी कंपोजिशन का यही मतलब तो होता था यार, है ना। तो फ्लेमिश रीजन में यहाँ पे डच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। यहाँ जो लोग रहते थे वो कौन सा भाषा बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। और पूरे देश में, ये पूरा देश में डच भाषा बोलने वाले लोग कितना परसेंट थे? 59%। इसको ध्यान रखना, पूरा देश में डच भाषा बोलने वाले लोग कितना रहते थे? 59%, ठीक है। और ये फ्लेमिश रीजन में रहते थे। और ये नीचे वाला जो रीजन है, ये रेड कलर में जो देख रहे हो आप, इसको हम लोग बोलते थे वेलून रीजन। ये जो रेड कलर में देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलून रीजन, ठीक है, ध्यान रखना इसको, वेलून रीजन बोलते हैं, या फिर काफी बुक में वेलूनिया भी रहता है, खैर वेलूनिया रीजन या फिर वेलून रीजन बोल लो। इस रीजन में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे। कौन सा भाषा बोलने वाले लोग थे भाई? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कितना परसेंट? 40%। यहां मेरे को एक चीज बताओ आप लोग, ज्यादा बड़ा कौन है, 59 या फिर 40? बताओ जी। तो आप बोलोगे सर 59। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब ग्रेटर नंबर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेजोरिटी। तो बताओ 59 मेजोरिटी या फिर 40? तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर 59 मेजोरिटी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 59% कौन था? डच। तो सर बेल्जियम में ना, बेल्जियम में ये जो डच थे ना, ये मेजोरिटी में थे, क्योंकि 59% थे, ग्रेटर इन नंबर तो है सर। उसके बाद तुम बोलोगे फ्रेंच वेलून रीजन जो रहते थे, सर ये तो 40% है, स्मॉलर इन नंबर, स्मॉलर इन नंबर मतलब माइनॉरिटी, तो जो स्मॉलर इन नंबर है तो उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। तो ये, और 1% यहाँ पे इस रीजन में जो तुम देख पा रहे हो, इस रीजन में, सॉरी हाँ, इस रीजन में जो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली जर्मन स्पीकिंग रीजन। इस रीजन में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। अब देखो इसको याद भी तुम कैसे रख सकते हो, बहुत आसान है। मुझे देखो, मुझे मैप याद है तो मैं तो याद रख लेता हूँ, बट अब तुम लोगों का मुझे नहीं पता है, बट कोई नहीं, चलो देखो बहुत सिंपल है। चलो इसको हम लोग ना ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं, नीचे वाला हो गया वेलून रीजन। वेलून रीजन में कौन रहते थे? फ्रेंच, देखो यहाँ पे फ्रांस, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे फ्रांस भाषा बोलने वाले लोग थे। ऊपर डच, नेदरलैंड डच, तो ऊपर डच भाषा बोलने वाले। इधर जर्मनी है तो यहाँ पे जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे। बहुत सिंपल, ऐसे भी तुम ध्यान रख सकते हो यदि तुमको ये याद है तो, कि किधर पे कौन है। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और हम लोग यहाँ से ये भी सीख लिए कि बेल्जियम में यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ऊपर डच कितना परसेंट? 59%। नीचे फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे, कितना परसेंट? 40%। और यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग 1%। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों क्या हो गए? कंट्री में, पूरा देश में यदि तुमसे पूछे कोई माइनॉरिटी कौन है, देखो ऑब्वियसली बात है सर 59 हो गया, ग्रेटर इन नंबर ज़्यादा है नंबर में, तो ये मेजोरिटी, जो स्मॉलर इन नंबर है वो हो गया माइनॉरिटी।
तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग कंट्री में क्या हो गए? माइनॉरिटी। यहां पे एक और लोचा क्या है, ये जो देश का राजधानी है यहां का सीन कुछ उल्टा है। देखो क्या, ये तो मैंने देश का तुमको बता दिया, बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन ये था। अब तुमसे यदि पूछ लिया जब ब्रसल्स का क्या एथनिक कंपोजिशन है, तो उस केस में तुम बोलोगे ब्रसल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग 80% हैं और डच बोलने वाले 20% हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पे स्मॉलर कौन है नंबर पे? ये डच है ना, स्मॉलर नंबर डच है, तो ये क्या हो गया? माइनॉरिटी। और ग्रेटर नंबर यहां पर कौन है? फ्रेंच, तो फ्रेंच क्या हो गया? मेजोरिटी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, ब्रसल्स में राजधानी में यहां पे, वो मैं दूसरा पेन लेता हूं, यहां पे ब्रसल्स में यहां पे मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। माइनॉरिटी में कौन है? डच स्पीकिंग। लेकिन कंट्री में क्या है? उल्टा, कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में है, इसको ध्यान रखना, और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में है। प्रॉब्लम का जड़ यहीं से है, थोड़ा इसको आप लोग ना ध्यान रखना। आई होप कि मैंने 2-3 बार रिपीट किया है तो आपको डेफिनेटली ये याद रखने वाला रह जाएगा, नहीं भी रहे तो ये एक बार ये आप देख लोगे तो याद हो जाएगा। ऊपर हम लोग कैसे इसको ध्यान रख सकते, ऊपर नीदरलैंड वो मतलब डच, ऊपर डच भाषा बोलने वाले लोग कितना परसेंट? 59%। ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। देखो ये जो कहानी है ना, ये जो भी मैं आपको तभी से बता रहा हूं, ये कब की है? ये कहानी है 1950, ठीक है, 1950 की ये कहानी है। और अब देखते हैं, यहां पे दो कम्युनिटी था मेन, दो कम्युनिटी कौन कौन सा था? डच और फ्रेंच। यहां पे दो कम्युनिटी है, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या होता है? टेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? टेंशन हो जाता है। अब इन दोनों कम्युनिटी के बीच में 1950 से 1960s के बीच में इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन हो जाता है। और बेल्जियम क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री, ये ध्यान रखना। देखो यहां पे मेरे को एक बार फिर से बताओ, इस कंट्री में मेजोरिटी में कौन था? डच। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए, यदि आप भूल जाओ तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है, देख लो, मेजोरिटी में कौन है? डच, माइनॉरिटी में फ्रेंच, एंड माइनॉरिटी में जर्मन भी है। ये मैंने इसलिए लगा दिया कि आप भूलो नहीं इसको, ठीक है, यदि भूल जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये यदि आप यहाँ पे मैं जो भी बोलूँगा यदि कन्फ्यूज करोगे तो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, कंट्री में जो डच स्पीकिंग पीपल, ये माइनॉरिटी में था, कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, ये माइनॉरिटी में था। लेकिन ये कैसे थे? ये लोग रिच और पावरफुल थे। देखो ये एक बात क्लियर है, जो लोग अमीर होते हैं ना, सब कुछ उन्हीं के पास होता है। तो यहां का भी वही सिचुएशन था 1950-1960 के बीच में। ये जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है ना, ये लोग बहुत रिच थे और पावरफुल थे, जिसके वजह से यहाँ का जो भी बेनिफिट्स होता था, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेनिफिट्स हो या फिर इनके बच्चों को एजुकेशन में हो, तो पहले देखो कंट्री में ये लोग माइनॉरिटी में थे, लेकिन सब कुछ में बेनिफिट्स इन्हीं को मिलता था, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट हो या फिर एजुकेशन का हो, बच्चों का एजुकेशन का हो, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए हो। तो पहले फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का एडमिशन होगा, बाद में डच भाषा बोलने वाले लोगों को होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कंट्री में ज़्यादा कौन है? यदि मान लो कोई कॉलेज है, यहाँ पे मान लो 100 सीट है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए सर? 59 सीट डच को मिलना चाहिए, 40 सीट फ्रेंच को मिलना चाहिए, 1% सीट जर्मन को मिलना चाहिए। एक देखो तो कायदे से ये हिसाब किताब बैठता है। लेकिन यहां पे क्या होता था, ज्यादातर सीट किसका होता था? फ्रेंच का। लेकिन इनका स्पीकिंग कितना, ये लोग कितना परसेंट थे? 40%। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था, सब कुछ में बेनिफिट्स उनको मिलता था, ये थे कंट्री में कम लोग, लेकिन ज़्यादातर अमीर ये थे, तो इसके वजह से उनको फायदा मिलता था। तो इसके वजह से 1950 से 1960s के बीच में इन दोनों कम्युनिटी के बीच में, किसके किसके बीच में? डच एंड ये फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में टेंशन स्टार्ट हो गया। टेंशन का यहाँ पे आपको मैंने 2 रीज़न अभी तुरंत बताया है, तो इसको ध्यान रखना आप, ठीक है।
तो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन स्टार्ट हो गया, डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। यहां तक में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो डच कंट्री में था, ये हम लोग जानते हैं, डच कंट्री में मेजोरिटी में था, लेकिन कैपिटल जो था बेल्जियम का, उसमें कौन मेजोरिटी में था भाई? उसमें फ्रेंच था और डच माइनॉरिटी में था। अब देखो ये तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कहां पे? बेल्जियम में। बहुत टेंशन हो रहा था इनके बीच में। तो अब इसका सॉल्यूशन के लिए जो बेल्जियम में लीडर्स थे यहां के, ठीक है, बेल्जियम में जो लीडर्स थे, देखो अब सॉल्यूशन क्या निकला। और ये कहानी हम लोग कब की पढ़ रहे हैं? 1970s, ठीक है, 1970s से तुम बोल सकते हो 1993, ठीक है। इसके बीच में यहां पे सॉल्यूशन निकाला कौन? ये जो पिक्चर्स में कुछ लोग देख रहे हो ना, ये एक्चुअली बेल्जियम के वहां के लीडर्स थे, इनको बोला जाता था बेल्जियंस लीडर, ठीक है। और ये लोग एक डिफरेंट पाथ चुने, क्या भाई? ये लोग एक डिफरेंट पाथ लिए, ठीक है, यहां पे नीचे है थोड़ा सा देख लेना, ये लोग डिफरेंट पाथ लेते हैं, मैं वहां पे आऊंगा। और ये देखो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कहां का? बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूरा कंट्री चलता है। खैर, तो ये बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है और बेल्जियंस लीडर एक डिफरेंट पाथ चुने। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम हो रहा था डच और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में, इसका सॉल्यूशन करने के लिए ये जो लीडर्स लोग थे ना बेल्जियंस के, बेल्जियम के जो लीडर्स थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से 1993 के बीच में टोटल 4 बार अमेंड कर दिया। अब बोलोगे सर अमेंड क्या होता है? जब लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जब लोग चेंज करते हैं, उसको चेंज नहीं बोलते, उसको हम लोग अमेंड बोलते हैं, सिंपल, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं उसको अमेंड बोलते हैं। तो ये लोग टोटल बेल्जियंस लीडर बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज कर दिए। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। देखो यहां पे कुछ पिक्चर्स हैं इन लोगों का, देख लो एक बारी, ठीक है, एक्चुअल नहीं है बट हाँ मैंने समझाने के लिए आपको लगाया है, ठीक है, आप इसको थोड़ा एक बारी ध्यान रखना, आई होप रखोगे ही आप, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, उन्होंने ये ध्यान जरूर रखना 1970 से 1993 के बीच में 4 बार इन्होंने किया। अब देखो ये लोग जो चौथा बार अमेंडमेंट किए ना भाई, चौथा बार का अमेंडमेंट बहुत सॉलिड था, और 3 बार अमेंड किए उससे कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था बेल्जियम का। तो इन लोगों ने जो चौथा बार जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, उससे प्रॉब्लम यहां का चेंज हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के बाद, सॉरी बदलने नहीं, चौथा बार सुधार करने के बाद, उसमें चेंज करने के बाद, अमेंड करने के बाद जो मॉडल एक निकल के आया, उसमें जो बातें निकल के आई, वो मैं अब आपको बताऊंगा। ऐसा क्या उसमें बात था जिससे पूरा कंट्री में शांति हो गया? देखो वहां पर रीजन क्या था, दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन था, डच और बेल्जियम के बीच में, लेकिन ऐसा क्या हुआ चौथा अमेंडमेंट में कि बेल्जियम में शांति हो गया? अब हम लोग उसको देखेंगे। तो इसका बहुत सारा नाम, एग्जामिनेशन में बहुत तरह के क्वेश्चन आएगा, कभी कभी आपको बेल्जियंस मॉडल पूछ दिया जाएगा कि 4 पॉइंट लिखिए, 5 पॉइंट लिखिए, मैक्सिमम यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आता है इस चैप्टर से, तो उसको ध्यान रखना। और यहां से क्वेश्चन आता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कभी कभी ये भी पूछा जाएगा अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो बेल्जियन का, या फिर बेल्जियंस मॉडल, या फिर ये तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, बेसिकली एकोमोडेशन इन बेल्जियम हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो जो मॉडल था ना, बेसिकली क्या हुआ, देखो क्या बोला कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चौथा बार अमेंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोला, जो मिनिस्टर्स होंगे कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे 2 लेवल का गवर्नमेंट होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पूरा कंट्री के लिए, ये ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट पूरा कंट्री के लिए होता था, और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंट्री के लिए होता था, स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट के लिए होता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला कि डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल कर दो। देखो डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को अगर बताओ कंट्री में टोटल कितना परसेंट था डच? 59% और फ्रेंच 40%।
यदि कैदा से मान लो कि यहाँ के गवर्नमेंट में 100 सीट है, एक मिनट के लिए मान लो यहाँ पे 100 सीट है, तो कैदा से देखो तो 59 किसका होना चाहिए, डच का, और 40 किसका होना चाहिए, फ्रेंच का। एक हिसाब से देखो तो इतना मिनिस्टर्स, 40 मिनिस्टर्स किसका होना चाहिए भाई, फ्रेंच का, और 59 मिनिस्टर्स किसका होना चाहिए, डच का। तुम देखोगे तो तुमको ये नजर आएगा। लेकिन यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला कि वेदर ये 59 हो से कोई मतलब नहीं, दोनों को बीच में बराबर कर दो, यदि 100 सीट है तो 50 इधर कर दो और 50 इधर कर दो। ये कौन बोला, कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये बोला सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स दोनों का इक्वल कर दो। जैसे कि देखो यहाँ पे एक पिक्चर्स मैंने लगाया इंडिया का ही है, जैसे मान लो इधर डच वाले हैं तो इक्वल कर दो इधर भी फ्रेंच वाले को, दोनों में एकदम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ होता है, इसी तरह से वहां भी होता था, तो दोनों में क्या बोला गया कि इक्वल कर दो। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है ना, डच मान गए, बोले चलो कोई बात नहीं, 59% मेरा है तो ज़्यादा एक हिसाब से मेरा होना चाहिए गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चलो मान लेंगे इक्वल इक्वल के लिए। डच का यहाँ पे हाँ मिल गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे डच हाँ भर दिया, आगे मैं बताऊंगा। और एक बात क्या आया इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला, कोई एक कम्युनिटी यदि सपोज कर लो डच चाहे कि हम कुछ बदलाव कर दे तो वो संभव नहीं है। यूनिलेटरली कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो दोनों से पूछ के लिया जाएगा, किसी एक के मन से नहीं लिया जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। पहला बेल्जियंस मॉडल के बेसिकली अरेंजमेंट में क्या आया, एकोमोडेशन के अरेंजमेंट में, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया था ना आपको, दो गवर्नमेंट होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरा कंट्री के लिए होता था और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के लिए होता था। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट होता था, कौन, स्टेट गवर्नमेंट। बेल्जियम में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा बेटा तुम इधर जाओ तो स्टेट गवर्नमेंट उधर ही जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा बेटा तुम बैठ जाओ अभी तो स्टेट गवर्नमेंट बैठ जाएगा। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट होता था, ध्यान रखो सबऑर्डिनेट होता था, चलो यहां पता है। अब देखो दूसरा क्या था, पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो दूसरा क्या बोला कॉन्स्टिट्यूशन, सॉल्यूशन क्या निकला हम लोगों को, कि जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, काफी सारा पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो ट्रांसफर कर दो। क्या निकला भाई, बहुत सारा जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो स्टेट गवर्नमेंट को। बहुत सारा जो पावर है, ध्यान रखना, बहुत सारा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो किसको दे दो, स्टेट गवर्नमेंट को। और क्या बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बताया था स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला, अब से सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट अब से सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको ध्यान रखना। तीसरा क्या किया गया, देखो यहां आप ब्रसल्स देख रहे हो ना, ये वाला रीजन आप ब्रसल्स आपको दिख रहा होगा, आई होप ये वाला रीजन जो ये ब्रसल्स है, ठीक है, ब्रसल्स राजधानी था बेल्जियम का। और यहाँ पे क्या था ना, ब्रसल्स का अपना एक अलग गवर्नमेंट था, ब्रसल्स का एक सेपरेट गवर्नमेंट था, ठीक है। और इसमें भी दोनों, देखो ब्रसल्स का अपना सेपरेट गवर्नमेंट था, तो यहाँ पे क्या बोला कॉन्स्टिट्यूशन कि यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ, यहाँ पे आप याद करो यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन था और इसके लिए डच, यहाँ पे देखो डच एक्सेप्ट भी कर लिए थे। और यहाँ पे अब क्या होता है, ब्रसल्स का भी मैंने बताया आपको इनका सेपरेट गवर्नमेंट होता है, और यहाँ पे जो दोनों कम्युनिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है, देखो ब्रसल्स में अभी एक बार मेरे को बताओ ब्रसल्स में कितना परसेंट फ्रेंच, देखो 80% है, तो कायदा से देखो तो सीट ज़्यादा किसको मिलना चाहिए, फ्रेंच को।
डच कितना परसेंट, 80%, तो इनको कम मिलना चाहिए कायदा से देखो तो। लेकिन लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, डच का जो गवर्नमेंट है ना, यहां पे दोनों कम्युनिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इक्वल कर दो। तो बहुत अच्छा चीज यहां पे हुआ, दोनों कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल कर दिया। कायदा से देखो तो फ्रेंच का 80 हो रहा था और डच का 20, लेकिन क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला, दोनों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल कर दो। अब देखो इक्वल कर दो तो फ्रेंच 80 वाले मान क्यों गए भाई, ये मान इसीलिए गए क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे डच भी तो मान गया था, 59% होते पर भी डच मान गया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसीलिए यहां पे जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो मान जाते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों मान गए, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्ट कर लेता था इक्वल रिप्रेजेंटेशन को, कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यही रीजन था। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा, तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब थर्ड चलते हम लोग, देखो यहाँ पे दो लेवल का तो गवर्नमेंट था ही, सेंट्रल प्लस स्टेट। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे एक तीसरा गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट करा गया। देख रहे हो यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे एक थर्ड काइंड का गवर्नमेंट बनाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको ध्यान रखना, क्या बनाया गया भाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। और इस यहाँ पे कितने कम्युनिटी था, तीन कम्युनिटी था, जर्मन कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी एंड डच कम्युनिटी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया तीनों कम्युनिटी का, ठीक है। यहां पर जैसा देख रहे हो, जैसे कि डच कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनेगा इसको कौन बनाएगा, डच पीपल वोट देके इसको इलेक्ट करेंगे, फ्रेंच कम्युनिटी पीपल फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, जर्मन स्पीकिंग पीपल जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो पीपल जिससे बिलोंग कर, जैसे मान लो मैं जर्मन भाषा बोलता हूं तो मैं कौन सा गवर्नमेंट को चुनूंगा, जर्मन गवर्नमेंट को बनाऊंगा मैं चुन के। उसी तरह से यदि मैं फ्रेंच बोलता हूं तो मैं फ्रेंच गवर्नमेंट को बनाऊंगा, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को। तो ये सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक ज्यादा नहीं है। तो ध्यान रखना, जो जिस लैंग्वेज से बिलोंग करते थे वो उसी कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते थे, ये हम लोग जानते हैं। अब इसमें ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम कंट्री में कहां रह रहे हो, इस कंट्री में, देखो ये मैटर नहीं करता है तुम कहां पर रह रहे हो, ठीक है। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये तुम्हारा जो कल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको देखेगी। यदि मान लो तुम्हारा कोई एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज रिलेटेड कोई इशू है, कल्चरल कोई इशू है, तो उस केस में कम्युनिटी गवर्नमेंट तुम्हारा प्रॉब्लम को देखेगी। तो ध्यान रखना, कोई तुमसे पूछे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास कैसा पावर था किसके रिगार्डिंग, तो बोलना उसके पास पावर था कल्चरल रिगार्डिंग, एजुकेशनल रिगार्डिंग एंड लैंग्वेज इशू रिगार्डिंग। आई होप यहां तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। देखो ये जो भी तुम मॉडल पढ़ रहे हो ना, तुमको ये मॉडल थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, है ना, कैसा मॉडल है, नहीं है, बट ये जो मॉडल है ना, यही मॉडल है कॉम्प्लिकेटेड, नो डाउट, लेकिन यही मॉडल यहां पे वर्कआउट हुआ, यहां पे काम हुआ, और फाइनली जो टेंशन था दोनों कम्युनिटी के बीच में वो टेंशन कम हुआ, और यहां पे सॉल्यूशन क्या हुआ आपको तो पता ही चल गया, तीनों मॉडल और भी बहुत सारे कुछ हुए थे, बट आप इतना ध्यान रखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी जो यहां के बेल्जियम के लीडर थे उनके लिए यही काम किया, ये जो अरेंजमेंट था यही वहां के लोगों के लिए काम किया। आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट हाँ, बेल्जियम के पीपल के लिए। देखो यहाँ पे इतना अच्छा मतलब इन्वायरमेंट बना, देखो यार यहाँ पे ना सिविल वॉर तक हो सकता था, काफ़ी ज़्यादा वायलेंट यहाँ पे हो सकता था कि नहीं, आपने देखा भी होगा यहाँ पे लैंग्वेज के आधार पे दोनों दो कंट्री बन सकता था यहाँ पे, इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे बन गया था, लेकिन दोनों कम्युनिटीज आपस में समझौता करके बेसिकली पावर, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पावर का शेयरिंग हुआ, दोनों के बीच में पावर का बंटवारा हुआ, जिसकी वजह से देखो कंक्लूजन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बेल्जियम में क्या हुआ, दोनों कम्युनिटी, कौन कौन सा कम्युनिटी भाई, यहाँ पे डच और फ्रेंच कम्युनिटी, आपस में दोनों के बीच में क्या हुआ, पावर का शेयरिंग हुआ, पावर के शेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे ये जो
यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन वाला माहौल था, यहाँ पे सिविल वॉर तक हो सकता था, दो कंट्री बन सकता था, लेकिन ये लोग आपस में दोनों पावर को शेयर किए और यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज था दो दो देश बनने का भाषा के आधार पे, उसका भी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गया और फाइनली यहाँ पे इतना शांति हो गया, बहुत अच्छा बन गया। बाद में जो यूरोपियन यूनियन होता है, यूरोपियन यूनियन यहाँ पे आके अपना हेडक्वार्टर सेटअप करता है। यूरोपियन यूनियन आते हैं यहाँ पे और ब्रसल्स को चूज करते हैं अपना हेडक्वार्टर के लिए। ये देखो, ये हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, ये जो फ्लैग देख रहे हो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, एकदम डिटेल में मैं बात करूँगा, श्रीलंका के बारे में बात करेंगे और मैं पूरा डिटेल से यहाँ बात करूँगा। और यदि आपको लेक्चर पसंद आया, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं क्या बोल सकता हूँ, यदि कमेंट कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करो। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम का लिंक है नीचे, वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मेरे से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।